हरियाणा वाले ने 5 क्विंटल फूल मंगाया है और कम से कम 100 किलो की माला मंगाई है। अच्छा। वो कह रहे हैं हम मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं कंगना रावत। लेकिन आप लोग से अनुरोध है मेरे भाई, जितने लोग सुन रहे हो देख रहे हो, कंगना रावत जिसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए, उन्हें जिताने के लिए हरियाणा में जरूर आए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 2 राज्यों में आप चुनाव घोषित करके 2 राज्यों को टाल दिया आपने, क्योंकि वहाँ आपकी बीजेपी के आकाओं की गोटी फिट नहीं बैठ रही। हरियाणा में इनका सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर कैंडिडेट नहीं है। सुबह सुबह इन्होंने 45 कैंडिडेट की लिस्ट निकाली बीजेपी ने, शाम होते होते वो लिस्ट वापस ले ली, पता है हारेंगे वहाँ पे। महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ पड़ा है इनका और झारखंड में भी इनका साफ होना है मामला, तो इस वजह से कोशिश में लगे जरा चुनाव आगे टल जाए, कोई मामला हो जाए। हरियाणा का तो ये रहा आपके सामने ही है चुनाव, हरियाणा का तो बिल्कुल रुझान साफ आ चुका है, हरियाणा में क्लियर बात है बिल्कुल। कांग्रेस को सीट देखो आप 57 से 59 सट्टा बाजार का आंकलन है, कभी गलत नहीं होता। आपको लोकसभा चुनावों में दिखाया था, इसी पंजाब केसरी का था कि 240 से 260 सीट आएंगी और वो यहीं थी। सट्टा बाजार इस बारे में सटीक आंकलन देता है। और ये पंजाब केसरी वो अखबार है जिसके संपादक को कभी इन्होंने बीजेपी ने करनाल से सांसद बनाया था अश्विनी चोपड़ा ने, उसके बावजूद अगर ये सच्चाई दिखा रहे तो आप खुद ही समझ जाइए। अभी तो आने वाले टाइम में और भी बढ़ जाएंगी, कोई दूर नहीं है, देर नहीं है। हरियाणा की बात क्या करेगा, हरियाणा में क्या लग रहा है? हरियाणा में मैंने कहा ना आपसे कि हमारे किसान भाई 5 क्विंटल गुलाब का फूल लाए हैं और 100 किलो की माला है। आपके स्टार प्रचारक सांसद कंगना रावत जी की मोस्ट वेलकम करेंगे हरियाणा वाले भाई। मैं हरियाणा वाले भाई जो भी हमारे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने घर के पोस्टर पर लिखवाएं कि कंगना रावत जी भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक, हरियाणा में आके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। महाराष्ट्र को लेकर जो मूडबंदी थी उसको लेके मोदी जी ने माफी मांगी, लेकिन जो विपक्ष है अभी इस बात पर अड़ा हुआ वो ये कह रहा है कि मैं मोदी जी ने अहंकार में माफी मांगी है, चुनाव आ रहे इसलिए माफी मांगी। जाहिर बात है। और तो क्या कैसे देखते हो आप जो है उस चीज को, चुनाव जाहिर बात है, ये आज की बात थोड़ी है। पंजाब में जब चुनाव थे उससे पहले किसान कानून वापस लिए गए थे, क्यों? इन्हें पता था पंजाब में सूपड़ा साफ होना है, लेकिन किसान कानून वापस लेने के बाद उन्होंने सोचा शायद हमारी 2-4-5 सीटें आ जाएं किसी भी तरह से। अल्टीमेटली किसान तो फूके बैठे थे, एक भी वोट इन्हें नहीं मिला, एक भी सीट इन्हें नहीं मिली। वही चीज अभी महाराष्ट्र में करना चाह रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने महाराष्ट्र के चुनावों को अभी तक डिक्लेयर नहीं होने दिया है। केचुआ को साफ निर्देश है कि जब तक हम ना कहें तब तक तुम इसमें चुनाव डिक्लेयर नहीं करोगे। केचुआ साफ बात है, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हो? हाँ, केंद्रीय चुनाव आयोग, शॉर्ट फॉर्म उसकी केचुआ है, बिना रीढ़ का प्राणी होता है केचुआ। आज की डेट में उसमें 3 कमिश्नर बैठे हैं और तीनों के में से एक की रीढ़ नजर नहीं आती, साफ बात है। 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 2 राज्यों में आप चुनाव घोषित करके 2 राज्यों को टाल दिया आपने, क्योंकि वहाँ आपकी भाई बीजेपी की आकाओं की गोटी फिट नहीं बैठ रही। हरियाणा में इनका सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर में इनका कैंडिडेट नहीं है। सुबह सुबह इन्होंने 45 कैंडिडेट की लिस्ट निकाली बीजेपी ने, शाम होते होते वो लिस्ट वापस ले ली, पता है हारेंगे वहाँ पे। महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ पड़ा है इनका और झारखंड में भी इनका साफ होना है मामला, तो इस वजह से कोशिश में लगे जरा चुनाव आगे टल जाए, कोई मामला हो जाए। लेकिन अब ऊपर वाले ने भी ठान लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सीधा सीधा इंडिकेशन दे दिया, मेरे नाम पे भ्रष्टाचार करोगे ऐसे मेरी मूर्ति ऐसी अब तुम्हारा भ्रम टूटेगा, बाहर जाओगे अब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, जो बुलडोजर कल्चर चल रहा है, जिस तरीके से कोई भी अभियुक्त होता है अगर किसी उसमें नाम भी आता है तो उसके घर बुलडोजर चल रहा है, कैसे देखते हैं उसकी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट? देखो मेरा मानना है अगर कोई भी गलत काम कर रहा हूँ आप मुझे सजा दो, ठीक है, मेरे भाई को नहीं दे सकते। अगर मकान मेरे नाम है तो आप मकान नहीं तोड़ सकते हो, ये मान तुम्हें सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो सही कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि जो आज तक होता चला आ रहा है उस पर रोक लगाने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये अच्छे काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से। अभी तक जैसे यूपी हो, एमपी हो, हर जगह इस तरीके से कोई भी घटना होती थी और लोग भी मांग करने लगते थे कि बुलडोजर चलाया जाए इस तरीके से, तो वो कल्चर डेवलप हो रहा था, वो आप कहीं ना कहीं गलत मानते हैं? एक घर बनाने में मान तुम्हें एक पीढ़ी गरीब बंदे अगर कोई घर बनाता है ना तो 20 साल 50 साल उसे लग जाती है अपने घर बनाने में, सजाने में। आप 1 मिनट तोड़ देते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मुझे सजा दिलवाइए, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पुलिस है, आप कहाँ सब कुछ है, अब मुझे सजा दिलाइए। अब जहाँ 5 साल के 10 साल बढ़वा दीजिए आप, मगर घर कैसे आप तोड़ सकते हैं? घर तोड़ने कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, अगर किसी का बेटा अगर घर से बाहर निकल के आया है, अगर दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, कोई गलत काम कर रहा है तो यार बाप किसमें क्या है, बेटा को दे दो आप फांसी, दे दो आप सजा, आपको जो भी मान तुम्हें संविधान में है उसके हिसाब से दे दो, कानून है उसके हिसाब से दो, उससे भाई उससे हो सकता है कानून है, बदल के मान तुम्हें जहाँ 5 साल 10 साल कर सकते हैं आप, मगर आप घर तोड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये तो आपको लग रहा है जैसे लोग भी ये कहते थे कि न्याय नहीं मिल रहा है, जो आरोपी हैं खुले घूम रहे हैं, तो इसलिए कार्रवाई? न्याय आज भी नहीं मिल रहा ना आने वाले टाइम पर मिलेगा मेरी
नहीं सोचे, ये नहीं मिल पाएगा। कानून पे विश्वास नहीं रहा लोगों को? कानून पे विश्वास इसलिए नहीं रहा है, अगर आप विपक्ष में हैं तो आप पे बुलडोजर चल जाएगा। आप मान तो विपक्ष में है, बुलडोजर आप पे नहीं चलेगा। ऐसे मान तो एक उदाहरण नहीं, बहुत उदाहरण है, आप देख लीजिए, बहुत उदाहरण है। अच्छा, चलना चाहिए सब पे। पहले बात मेरा मानना है किसी पे चलना ही नहीं चाहिए, चलना इस पे चाहिए। अगर उन्होंने अगर किसी की जमीन मान तुम्हें जबरदस्ती अगर मान तो कब्जा करके मकान बना लिया, उस पर चल जाना चाहिए, सही है। मगर ऐसे नहीं चल जाना चाहिए। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सजा दे दो, आपको दिक्कत नहीं है, मगर मेरे भाई को सजा दे दो, मेरे परिवार वाले को सजा दे दो, मेरे चाहने वालों को सजा दे दो, यार ऐसे कैसे चलेगा? अगर आज आप सत्ता में हो, कल आप सत्ता से उतर जाएंगे, अगर ये आपके साथ अगर किया जाएगा तो आप चिल्लाएंगे तो नहीं? अगर नहीं चिल्लाएंगे तो मान तुम्हें लिख के आप दे दीजिए कि मान तुम्हें जो हम विपक्ष में होंगे तो मेरे ऊपर भी ऐसे कार्रवाई होना चाहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या जो बुलडोजर है जाति धर्म देख कर भी चलाया जाता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, चलाया जाता है। ऐसे बहुत बंदे, ये बताइए अब रेप पे मैं बताता हूँ, इससे पहले ऐसा नहीं है कि बंगाल में रेप हुआ है, उत्तर प्रदेश में रेप हुए हैं, यानी कहाँ का बहुत स्टेटों में रेप हुए हैं। कभी किसी का इस्तीफा मांगा गया? जो इस्तीफा मांगने वाले मन तुम्हें पहले वो इस्तीफा देंगे क्या? उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, आपके राज्य में हुआ है आप भी इस्तीफा दे दीजिए। पहले मैं इस्तीफा दूंगा, मैं तब इस्तीफा दूसरे से मांगूंगा ना। मेरे राज्य में हुआ है, मैं इस्तीफा मैंने दिया नहीं, मैं दूसरे से मांग रहा हूँ, यार कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी 10 दिन में मान तुम्हें कानून लेके आ रहे, 10 दिन में मान तुम्हें फांसी दी जाएगी उसको, ये लोग समर्थन करेंगे उसका? नहीं करेंगे, ये लिख के रख रहे समर्थन नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं मैं विरोध करूंगा इसका। बताइए आप, लोग ये कहते हैं कि उस तरीके से न्याय नहीं मिलता है, न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और कानून में के चक्कर में होता क्या है कि जो असली आरोपी है वो भागता रहता है उसे, और जो जो मतलब जो विक्टिम होता है उसे न्याय नहीं मिलता है। न्याय की बात यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट इतना बेवकूफ़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है आज देश में क्या चल रहा है, क्या होना है, संविधान के मानते हुए ऊपर लोग जा रहे हैं, तो इसलिए वो उस पर रोक लगा रहा है। और वो ये भी नहीं कह रहा है अगर कोई अवैध है उसको आप तोड़ सकते हो, जो अवैध नहीं है उसको आप नहीं तोड़ सकते हो। एक आए अगर मानते मैं गलत काम कर रहा हूँ मुझे सजा मिलेगी, मानते मैं मेरे भाई को नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट इसलिए रोक लगाने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई गलत नहीं कर रहा है, फैसले को सही मानते हैं ना? बिल्कुल सही है। आपको क्या लग रहा है योगी उत्तर प्रदेश की सरकार और जो मध्य प्रदेश की सरकार, क्या फर्क पड़ेगा इसका? इस पे फर्क ये पड़ेगा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी, इस पे ये फर्क पड़ेगा। अब ये होना चाहिए, मैं अगर गलत करूँगा तो मुझे सजा मिलना चाहिए, जैसे मेरे भाई को मिल जाए या मेरे चाहने वालों को मिल जाए, सबको पकड़ के आप डाल दो तो ये क्या बात हुई? हो ही नहीं सकता यार। एक और आपने अभी केस सुना होगा, महाराष्ट्र का केस है, जो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरी थी उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि माफ़ी जो है अहंकार भरी है और मोदी। पहले बात तो उसके मामले में जांच होना चाहिए, इसमें कितना पैसा लगाए, कितना मामले में मूर्ति गिरी कैसे है, इसमें कितना लंबा घोटाला हुआ है। माफ़ी मांगने से मैं भी अगर 1 करोड़ का घोटाला कर लूँगा, मैं भी जनता से माफ़ी मांग लूँगा तो यार तो फिर घोटाला बढ़ता रहेगा। ये जैसे विपक्ष का आप जाँच कराने की मांग करते हो, CBI लगा देते हो, ED लगा देते हो, तो उस पर बाबा इसे जाँच करा के और आप पता चलना चाहिए इसमें कितना घोटाला हुआ है, मूर्ति ऐसे गिर के जा सकती है? बताइए आप, बहुत बड़ी बात है मूर्ति गिरना। जो बीजेपी वाले हैं वो ये कह रहे हैं ये तो राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पे, मोदी जी ने तो माफी मांग ली है। फिर यार मैं एक हूँ, मतलब बंगाल पे आप राजनीति कर रहे हो, दूसरे विपक्ष पे कोई आ जाए तो आप भी राजनीति करते हो, तो राजनीति हर पार्टी वाले राजनीति को बंद करना चाहिए, सच्चाई है उसको दिखाना चाहिए, राजनीति बिल्कुल ना करें आप। अच्छा। कोई भी हो। अभी क्या लग रहा है जैसे महाराष्ट्र के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये जो मुद्दा बनने वाला है इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, मुद्दा बनना चाहिए, मुद्दा बन गया, ये बड़ी बात है भाई, ये मूर्ति गिनना इतना पैसा मानते उसमें लगा है, मतलब उसकी जाँच होना चाहिए, मुद्दा बनना चाहिए, और मुद्दे के साथ उसकी जाँच होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और वहाँ की सरकार है उसकी जिम्मेदारी, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है, और दोनों मानते एक ही सरकार है कि दूसरे सरकार नहीं, विपक्ष की सरकार नहीं वहाँ पे, और होना चाहिए। और चाहे मानते मैं विपक्ष की सरकार हो उसमें भी अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार को मानते मैं उस पर भी कार्रवाई करना चाहिए, आपके हाथ में मानते मैं सब कुछ है, आप चाहो तो काम करता है, नहीं चाहो तो नहीं। तो ये तो मुझे से अभी क्या हो रहा है कि जो विपक्ष है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, उद्धव ठाकरे भी हैं, कई तरीके की बयानबाजी हो रही है, तो क्या लग रहा है जैसे महाराष्ट्र जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर है बीजेपी? मेरी समझ में बीजेपी मानते मैं साफ होने वाली वहाँ से, जो हालात बीजेपी के हैं बीजेपी साफ होने वाली है, बीजेपी वहाँ से मानते हैं अब जीतने वाली नहीं है, जो ही हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा में हाफ हुआ है, अब साफ होने वाली है हरियाणा में, मेरी सोच है हरियाणा में साफ होने वाली है। हालात देश के जो है ना, मतलब ये नहीं एक तरफा कोई बात नहीं होना चाहिए, सारी बातें होना चाहिए, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो कोई भी हो, जो गलत काम करे उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, उस पर कानून होना चाहिए। अभी तक 10 साल में अभी तक आपने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया रेप पे, आज तक आपके राज्य में रेप हुए एक नहीं बहुत
बहुत राज्यों में हुए हैं, आपने अभी तक कानून नहीं बनाए, आप आज मानते हैं धरना दे रहे हो आप। अब मायावती बता रहे, सॉरी तुम्हारे ममता बनर्जी, दस दिन में कानून ला रही है, दस दिन में उसको फांसी दी जाएगी, आप उसका समर्थन करेंगे नहीं? मेरा मानना है समर्थन नहीं करेंगे।